पहले रेलवे लाइन में 25 mm का गैप लेते हैं, इसको बढ़िया से धुलते हैं, साफ किया जाता है। उसके बाद साफ करने के बाद मोल्ड, साफ करने के बाद मोल्ड से बांध के लोटिंग किया जाता है। उसके बाद हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसका जो पोर्शन होता है जिसमें मेटल होता है, मेटल का बुरादा होता है, उसमें स्पार्किंग करके मेटल इसमें गिराया जाएगा। बाकी आपको दिखाते हैं, ये हमारी ब्लोअर मशीन है जिससे हम लोग रेल को हीट करते हैं। इसमें पेट्रोल का यूज होता है, इसे पेट्रोल और एयर से इसको हीट किया जाता है रेल को। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ऐसे दिखता है। अब रेल का लाइनिंग किया जाता है, इससे वेल्डिंग बहुत सही हो, लाइनिंग एकदम सही हो। ये मोल्ड है, मोल्ड को रेल में बैठाया जाएगा, इसी को गर्म करके इसी में प्रीफैब मोल्ड बोलते हैं, इसको प्रीफैब मोल्ड बोलते हैं। अच्छा, ये 60 kg का मोल्ड है, 60 kg की रेल है, पतला वाला। अगर 1 मीटर रेल को हम काटेंगे उसमें उसमें 60 kg का वेट होता है, इससे पहले 52 kg का वेट था। अरे नहीं, जिस सेक्शन का रेल रहता है उसी सेक्शन का मोल्ड लगाएगा। वही कह रहे हैं, पहले 52 का था। अब रेल में मोल्ड को बैठाया जाता है, सबसे मेन काम यही होता है। ये हमारा सांचा है मोल्ड, गैप पे बांधा जाता है, 25 mm का गैप होता है लगभग। ये इसका बालू होता है, 25 प्लस माइनस 1 का गैप होता है, इसको हर तरफ से पैक किया जाएगा, ऊपर का हिस्सा छोड़ के ऊपर से गर्म किया जाएगा। ठीक होता है, बाल्टी नहीं होता है, पोर्शन सिंगल शॉट क्रूसिबल इसका नाम। अच्छा, सिंगल शॉट क्रूसिबल इसमें मेटल है, हाँ, पोर्शन गलाने वाला बाल्टी जैसा होता है। ये हमारा मेटल है, इसमें बारूद मिला होता है। ये देखिए, इसको लूटिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग पैक लूटिंग बोलते हैं। हर तरफ इसको पैक किया जा रहा है, ये स्पेशल टाइप का बालू आता है, इसको रेलों में बिल्डर लोग करते हैं, इसे बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। ये हमारे बिल्डर लोग हैं, ये इस पूरे लखनऊ मंडल के सबसे सीनियर बिल्डर में आते हैं। ये मेटल है, बुरादे के फॉर्म में रहता है। फिटिंग करने के बाद यही रखा जाएगा। मेन वर्क है लूटिंग करना, अगर इसमें थोड़ी सी चूक हो गई तो बिल्डिंग बह जाएगी। सारा काम ब्लॉक लेके किया जाता है। ये देखिए, लगभग पैक हो चुका है लूटिंग, पूरा मोल्ड पोर्शन पैक कर चुके हैं। इसका जो सांचा होता है, एक बिल्डिंग में लगभग खर्चा आता होगा 50,000 का। ये अलग टाइप का बिल्डिंग होता है, इसमें अभी आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका हीटिंग प्रोसेस, ये बॉयलर मशीन है, पेट्रोल इसमें यूज होता है। अभी ये देखिए आग लगाने जा रहे हैं, ये वेल्डर साहब हैं। हीटिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, कुछ मिनटों का होता है।
से 7 मिनट में होता है, इसके बाद इसमें मेटल रखा जाएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस वाला काम है। गेटिंग का काम पूरा हो चुका है लगभग 5.5 मिनट तक। अब मेटल रखा जाएगा इस पर। ये मेटल की बाल्टी है, इसमें स्पार्किंग करेंगे। एक ये देखिए आप, ये इसमें रिएक्शन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वेल्डिंग मेटल इसमें गर्म होकर नीचे गिर जाएगा। इसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं। इसमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, इसके लिए तैयार है। हाँ हाँ, आप भी आ रहे हैं, आप ही तो मेन मिस्त्री हैं यहाँ। ये देखिए लोग, वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट ना आए। देखिए टैपिंग का काम हो रहा है, मेटल गल के पूरा गर्म होके पिघल के नीचे गिर चुका है। बहुत सही टैपिंग हुआ है, एकदम पूरा गरम लावा। ये देखिए इसका जो सांचा था लोहे का निकाल दिया गया है। इसको बहुत गर्म होता है, इसे लोहे के पहुंच से दूर फेंका जाता है, कोई जले ना। इसके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खासकर गर्मी के सीज़न में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रेलवे काम है 24 घंटे। ये जो मशीन आ रही है, बेल ट्यूमर करते हैं, इसे वेल्डिंग को कट करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन होती है। सबसे पहले इसमें देखिए लोहे के सांचे को निकाला जा रहा है, लोहे का मोल्ड पहले इसको हटाएंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये वैसे अब इसको कट करेंगे। अब एक कटिंग मशीन है, इसको बेल ट्यूमर बोलते हैं ना। ये हाइड्रोलिक प्रेशर से चलता है। ये सारा काम पहले हाथ से किया जाता था। कितने मिनट बाद कट किया जाता है? 6-6.25 मिनट के बाद कटिंग किया जाता है। हाँ, कटिंग किया जाता है। ये देखिए कटिंग होने के बाद अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर कोई इसके संपर्क में आ जाए तो जल जाएगा। वेल्डिंग ठंडी हो चुकी है, इसको धीमे धीमे तोड़ेंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है।
ये साइड में मेटल निकल जाता है, इसको हम लोग राइजर बोलते हैं। ये बिल्डिंग को धीमे धीमे ठंडा करता है। ये 25 मिनट बाद इसको 25 से 30 मिनट बाद तोड़ा जाता है। ऐसे साइड से मारिएगा तुरंत टूट जाएगा। हाँ, बताइए कितना समय लगता है एक वेल्डिंग में? 30 मिनट। कूलिंग समय 30 मिनट, मतलब एक घंटा हो गया। करने में एक घंटा, 75 मिनट में एक वेल्डिंग। कम से कम 75 मिनट कब लग चाहिए एक बिल्डिंग में? साफ करने के बाद कुछ ऐसा मिलता है। अब इसे ग्राइंडिंग करेंगे, एकदम साफ हो जाएगा रेल जैसा। ग्राइंडिंग करने के बाद कुछ ऐसा जैसे मिलेगा, एकदम साफ हो जाता है। इससे फिर गाड़ी स्मूथली चलती है। ये देखिए ग्राइंडिंग, ये जनरेटर है, ये ग्राइंडर है। जनरेटर चालू हो रहा है। लास्ट काम है ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग कर देंगे तो आज काम कंप्लीट। ग्राइंडिंग हो गया है, एकदम काम कंप्लीट हो गया है। अब सारा सामान रख लिया जाएगा। बस जय हिंद।